नमस्कार, संडे का सलाम करते हुए डीजे ना न्यूज के इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। और बात की जाए ड्रीम्स इलेवन आईपीएल के सीजन की, तो मैच से ज्यादा ये पूरा रोमांच हमें पॉइंट्स टेबल में देखने को मिल रहा है। खासतौर पर शनिवार जिस तरीके से बीता आईपीएल के लिए वो बहुत ही यादगार दिन रहा, क्योंकि दो शीर्ष की टीमें जिस अंदाज में हारी है उसके बाद कहीं ना कहीं अब जब लीग मैच गिनती के बचे हैं, यूं कहें कि अंतिम दौर में है लीग मैच का दौर, उसके बावजूद भी यह तय नहीं हो पाया है कि आखिर वो कौन सी बची हुई तीन टीमें हैं जो प्लेऑफ में शामिल हो सकती है। हालांकि मुंबई इंडियंस ने अपना स्थान प्लेऑफ में सुनिश्चित कर लिया और ऐसी पहली टीम हो गई है जो प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक छह टीमें बची हुई है और तीन स्थान बाकी हैं और जबरदस्त प्रतिस्पर्धा इन टीमों के बीच देखने को मिल रही है। वैसे हैरानी की बात यह है कि अब से कुछ समय पहले तक हम ये मान रहे थे कि लगभग तय हो चुका है कि वो कौन सी चार टीम है जो प्लेऑफ में खेलेगी, लेकिन पिछला सप्ताह जिस तरीके से बीता और बॉटम की टीमों ने जिस अंदाज में अपना प्रदर्शन करा है उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जैसी टीम के लिए भी अब यहां पर प्लेऑफ की दावेदारी चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। आखिर क्या हो सकता है इस प्लेऑफ का गणित और आज और उसके साथ कल के मुकाबले कितने अहम रहेंगे, कितने मायने रखेंगे प्लेऑफ की दावेदारी के लिए इन बची हुई छह टीमों के लिए, तो इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट सुखदेव सिंह गुम्मन सर, उनके साथ मौजूद हैं निखिल पटवर्धन सर, दोनों ही क्रिकेट समीक्षा के और उसके साथ साथ क्रिकेट जगत की जानी मानी हस्तियां भी है। सर आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और सर कल से शुरू करते हैं क्योंकि कल जिस अंदाज में मुकाबले हुए शीर्ष की टीमें हार गई, मुंबई जरूर जीत गई लेकिन दिल्ली को एक बड़ी असफलता कल मिली और उसके साथ साथ दूसरे मैच की हम बात करें तो वहां पर सबसे बड़ा उलटफेर हुआ और विराट कोहली की सेना पूरी तरीके से ध्वस्त होती हुई दिखाई दी सनराइजर्स हैदराबाद के सामने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभिषेक, कल भी हमने प्री मैच में एनालिसिस में ये बात करी थी और डिस्कस किया था कि मुंबई और दिल्ली का जो मैच है, जो पहला मैच था, उसमें मुंबई बहुत हाई कॉन्फिडेंस के साथ खेल रही है। मुंबई जो है वो पिछले साल की आईपीएल चैंपियन भी थी और पॉइंट्स टेबल में भी एक नंबर पे थी, और रोहित शर्मा के इंजर्ड होने के बाद में भी ईशान किशन उसकी जगह पे जो बैटिंग कर रहे हैं बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, और बॉलिंग लाइनअप हमने बार बार बात करी, मिडल ऑर्डर की बात करी, टॉप ऑर्डर की मुंबई की बात करी, और जहाँ तक हम डीसी की बात कर रहे थे तो पिछले तीन मैच में हार के आई, ऑल ऑफ ए सडन ऐसा लगने लगा कि ये टीम जो एकदम से टॉप फॉर्म में थी, जिसको हम रेट कर रहे थे कि आईपीएल जीत रही है, जैसे पता नहीं बैटिंग को कुछ साफ सूंख गया हो कि पहले पांच बैट्समैन में से एक बैट्समैन आपका फायर करा या नहीं करा, अब बैटिंग नहीं करेंगे रन नहीं बनाएंगे तो कैसा होगा। कल जसप्रीत बुमराह ने और टेंट बोल्ड ने बता दिया कि आप वाकई में बहुत गंदी और खराब बैटिंग कर रहे हैं, आप अगर रन नहीं बनाएंगे। कल दोनों टीम ने चेंजेस करे, डीसी ने दो तीन चेंजेस करे, पृथ्वी शॉ को लेके आए जिंगर रहने की जगह, हर्षल पटेल को लेके आए तुषार की जगह, परवीन दुबे को लेके आए अक्षर पटेल की जगह, मुंबई ने भी जयंत यादव को लाया, हार्दिक को रेस्ट किया और नेथन कोलटाइज जेम्स पैटिसन लेके आए। दोनों टीमों ने अपने चेंजेस करे और हमें जैसा लगा कि मुंबई एक डिफरेंट फ्रेंचाइजी, एक डिफरेंट टीम की स्पिरिट से खेल रही है, जैसे परफॉर्मेंस ही उनका बेंचमार्क है, हर प्लेयर आ रहा है परफॉर्म कर रहा है, जो भी आ रहा है, जिसको बॉल देते हैं तो वो विकेट ले जाता है, जिसको बैट देते हैं तो ईशान किशन को देखिए वो इतने से छोटे से स्कोर के ऊपर भी इतनी शानदार बैटिंग करी उन्होंने। यहाँ एक तरफ लग रहा था कि बैट्समैन के लिए बॉल एक मिस्ट्री हो गई है, ट्रेंट बॉल को रीड नहीं कर पा रहे हैं, बुमराह को खेल ही नहीं पा रहे हैं, और वहां पे आके देखिए उसने कितने अच्छे अच्छे शॉट मारे, ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे किसी दूसरी बैटिंग विकेट पे बैटिंग कर रहा और ये लोग दूसरी बैटिंग विकेट पे आउट होकर चले गए। तो दिल्ली के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जितनी बुरी तरह से हारे हैं अब तो मुझे लग रहा है कि कहीं हमको ये भी देखना ना मिले कि जिसको हम विनर मान रहे थे कि ये आईपीएल जीतने वाली है वो प्लेऑफ से भी बाहर हो जाए। ये एक बहुत बड़ी बात की निखिल सर, आपने तो आईपीएल में फोर्थ एम्पायर की भूमिका अदा की है, कभी ऐसा पॉइंट्स टेबल का रोमांचक मुकाबला आपके नजर में आया, क्योंकि भले ही एम्पायरिंग पर हो लेकिन आखिरकार दिल तो क्रिकेट के लिए धड़कता है। नहीं, ये पहली बार आईपीएल में देख रहे हैं कि इतना नेक टू नेक चल रहा है टूर्नामेंट कि हमारे पास तीन दिन बचे हैं और अभी तक हमें पता ही नहीं कि बाकी टीम तीन टीमें कौन हैं। अभी दो ही टीमें सबसे रेस्ट पे हैं, एक तो मुंबई इलेवन और सीएसके। मुंबई इलेवन को मालूम है कि हम कर चुके हैं और इन्हें मालूम है कि हमारा कुछ नहीं होना है, तो दो टीमें सबसे कंफर्टेबल पोजीशन पे अभी। बट ऐसा पहली बार आईपीएल के इतिहास में देखने को मिल रहा है कि पांच टीमें 12 पॉइंट्स पे हैं और जो कि हर टीम एबल है अभी क्वालिफाई करने के, तो इट्स अ वेरी रेयर ओकेजन और ये क्रिकेट की जीत है, एक्चुअली आईपीएल की जीत है और क्रिकेट की जीत है। जिस तरह से ये क्रिकेट चल रहा है अभी,
लोग, मुझे लगता है कि इससे बेटर क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगा लोग। मतलब सर पांच अभी मैचेस लीग के बचे हुए हैं, यानी अंतिम चरण में है लीग मैच का सिलसिला, लेकिन उसके बावजूद छह टीमों से अभी ये नहीं पता पड़ पाया कि आखिर वो कौन सी तीन टीमें होंगी जो प्ले ऑफ में अपना स्थान सुनिश्चित करेगी। सर सनराइजर्स हैदराबाद ने जिस अंदाज में कल मुकाबला खेला और आरसीबी जैसी मजबूत टीम को पटक दिया, धोनी तो विराट कोहली तो परेशान हुए ही होंगे, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने चौथे नंबर पर आने के बाद कई टीमों की नींद उड़ा दी। बिल्कुल, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते चले आ रहे हैं। कल के मैच में भी हमारा एक्सपेक्टेशन था कि अगर हम इस चीज को देखें कि आरसीबी ने अभी तक आईपीएल नहीं जीता है और उनके लिए बहुत अच्छा मौका था कि कल का मैच जीत के वो क्वालिफाई कर जाते और अब फर्स्ट या सेकंड पोजीशन में आ जाते हो। बट कल सनराइजर हैदराबाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, संदीप ने शुरू में आकर दो विकेट ले लिए। सर थोड़ा सा क्रेडिट मैंने टोटका करा सर से हैदराबाद के लिए, थोड़ा सा क्रेडिट दे देना क्योंकि मैच फंसे उससे। बिल्कुल सही बात है, और इससे अच्छा आईपीएल नहीं हो सकता, इससे अच्छा 2020 नहीं हो सकता कि आप एनालिसिस कुछ करते हैं, प्रेडिक्शन कुछ करते हैं और मैच का रिजल्ट बिल्कुल उल्टा होता है। यही क्रिकेट की खूबसूरती है और इसीलिए इसको अनिश्चितताओं का गेम बोलते हैं। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कल दोनों कप्तान ने अपने मन की करी। सनराइजर हैदराबाद ने टॉस जीता और बॉलिंग करी, कैप्टन चाहते थे, और विराट कोहली ने भी उस समय बोला कि हम भी बैटिंग करना चाहते थे क्योंकि विकेट थोड़ा वेयर एंड टेयर में दिख रही है, ड्राई विकेट दिख रही है, बॉलर्स को आगे जाके असिस्ट ज्यादा, हेल्प ज्यादा मिलेगी। बट अगर आप रन ही नहीं बना पाएंगे तो जीतेंगे तो कैसे? कैसे जीतेंगे? और इस तरह के क्रंच मैचेस में जब आपको समय में आ रहा है, आपकी विकेट 12 ओवर में आप टॉप बैट्समैन चार खो देते हैं, है ना, उसके बाद आपके पास में बैटिंग लाइन में भी वीक है, आपको ऑलराउंडर पे डिपेंड होना पड़ता है। वॉशिंगटन सुंदर की तरफ आप देखते हैं कि इसने पहले एक बार एक मैच में तीन छक्के मारे थे, ये भी मार दे यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जो अगर हम खुद नहीं करेंगे क्रिकेट में तो हम दूसरों से अपेक्षाएं रखकर जीत नहीं सकते हैं। एबी डिविलियर्स जैसा बैट्समैन जिन्होंने पिछले मैच में दिखाया कि 73 रन कैसे बनाते हैं जब बाकी बल्लेबाज नहीं चल पा रहे थे, 24 रन बनाने के बाद आउट हो जाते हैं, क्राइम है। आप इतने बड़े प्लेयर हैं, आपकी टीम को इतनी जरूरत है, आप उस समय, और देखिए ये समय में आता है कि बल्लेबाज नया है, आप नए विकेट पे आए हैं, आप जब खेलने आते हैं थोड़ा नर्वसनेस होती है बैट्समैन में, उसको थोड़ा टाइम लगता है एक्लेमेटाइज होने के लिए, सेट होने के लिए, देखने के लिए कि विकेट में कैसा मूवमेंट है, स्विंग है नहीं है, बॉल कैसा आ रहा है, और जब तक उसका बॉडी में ब्लड फ्लो और दिमाग आराम से, विजन, सारी चीजें जो है आप बिल्कुल अडेप्ट कर जाते हैं कि अब मैं बैटिंग कर सकता हूँ, उसके लिए आपको 5 गेंदे 10 गेंदे चाहिए होंगे। आप 24 रन बना चुके हैं, आप स्टार प्लेयर हैं, आपकी टीम को आपकी जरूरत है, उस समय आप हो जाए आउट हो जाते। विराट कोहली की बात करेंगे तो उसी तरीके से आप कह रहे हैं कि विकेट ड्राई है और बाद में भी दिक्कत आएगी, तो आप पहले से प्रिपेयर्ड हो कि इस विकेट पे बहुत रन नहीं बनने वाले हैं, फिर भी आप एम्बिशियस शॉट खेलते हैं, आउट होते हैं, क्या आप बच्चों को सिखाएंगे? किस तरह से आप अपनी फ्रेंचाइजी के लिए एक लॉरेल लाने की बात कर रहे हैं, अपने लिए भी लाने की बात कर रहे हैं। आप 2020 में वनडे में टेस्ट मैचेस में इतनी अच्छी कप्तानी कर चुके हैं, इतने अच्छे क्रिकेट खेल चुके हैं, फिर इस तरह के क्रंच मोमेंट में कहीं ना कहीं दिखाता है कि समथिंग इज मिसिंग। निखिल सर, हम लास्ट जब सैटरडे को शो हुआ था तब हम सोच रहे थे कि लगभग अब क्लियर है, एक एक दो दो मैच जीतना है और ये टीमें प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, भले ही उसमें मुंबई हो, भले वो तो पहुंच चुकी है, दिल्ली की बात करें, आरसीबी की बात करें, चौथे नंबर पर सिर्फ अकेला एक मात्र था जहां संशय की स्थिति थी, लेकिन आज भी हम वहीं खड़े, सिर्फ मुंबई अकेली पहुंची है प्लेऑफ में और प्लेऑफ ऐसा लग रहा है कि कब जीतने के बराबर हो चुका है। तो कल का दिन भी हम देखें तो सर लगभग नतीजा कुछ भी नहीं रहा और पॉइंट टेबल की जो पूरी माथापच्ची वो और ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल, बहुत सरप्राइजिंग रहा एक्चुअली, ऐसा परफॉर्मेंस ना दिल्ली से एक्सपेक्टेड था ना आरसीबी से एक्सपेक्टेड था, बट दिल्ली का जो बैटिंग चल रहा है इट्स हॉरिबल, द वे बैट्समैन जिस हिसाब से आउट हो रहे हैं, वो आउट होने का ढंग इतना खराब है, पृथ्वी शॉ और मीन्स ऐसा आउट होना, आप इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, आपसे ऐसा एक्सपेक्टेशन ना फ्रेंचाइजी करेगी ना टीम करेगी, और आप टीम को गर्द में डाल रहे हैं। इट वॉज अ नो शॉट आइल से, वो कोई शॉट ही नहीं था जो आई अंडरस्टैंड बिल्कुल कि T20 में मारने को होना और बट यू हैव आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा गेंद के लिए, ऐसा नहीं कि आप आग बंद करके इसे तो गिल्ली डंडा खेल ले फिर आदमी, या वो मटकी फोड़ आंखें बंद करके, वैसा खेल चल रहा था। आई एम वेरी मच बहुत मतलब बींग अ प्लेयर मुझे पृथ्वी शॉ का एटीट्यूड से और ऋषभ पंत, यदि आप कंट्री के लिए खेल रहे हैं तो आपका एक एलिगेंस दिखना चाहिए, मुझे तो बस सिंपल बात पता है, और जो कि श्रेयस अय्यर कमिटमेंट है, सी आउट होने का ढंग होता है, प्लेयर जाएगा आउट होगा,
बट आउट होने का ढंग यदि तरीका जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आउट हो, सम्मानजनक सम्मान लेके आउट हो, ये आउट तो होना है प्लेयर ने। सेम विद आरसीबी, आरसीबी का भी वही दिक्कत हो रही है बैटिंग में। जैसा पहले भी हम लोग भैया हम लोग बात कर चुके, दो प्लेयरों पे निर्भर रहना किसी भी टीम को, आप बहुत एक्सपेक्टेशन यहां तक आ गए बहुत गनीमत है। मैं तो बोलता हूं थैंक्स टू एबी डिविलियर्स एंड सम गुड बॉलिंग, बहुत अच्छा बॉलिंग यूनिट है इनका, जो सैनी है, चहल है, देन आपका ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन, तो ऐसा बॉलिंग के कारण जीत रहे हैं। बाकी बैटिंग में तो अभी भी बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हैं। मैं अभिषेक निखिल के साथ थोड़ा और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप दिल्ली को देखेंगे कल के मैच में, तो वो आप इतनी सारी डॉट बॉल खेल रहे हैं 2020 में अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले सीएसके नहीं गलती की, तीन बॉल डॉट खेल रहे हैं और चौथे में स्टेप आउट करके मारना चाह रहे हैं, आप कितना हाई रिस्क ले रहे हैं। जहां आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल का लेवल इज नॉट लेस देन इंटरनेशनल लेवल। एज ए बैट्समैन अगर मैं विकेट पे हूं, तो मैं एक नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर हूं और मेरा स्ट्राइकर जो है कुछ गलत कर रहा है, मेरा बैटिंग पार्टनर, तो मुझे जाके उसको बोलना चाहिए। और कम से कम नहीं, आप सिंगल रन बहुत इजीली कहीं पे भी निकाल सकते हैं। कोई विकेट वो इस तरह की नहीं थी कि आपको बॉलिंग नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है, आपको बॉलिंग मिस किए जा रहे हैं, आप प्लेस ही नहीं कर रहे हैं। आप अगर स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे तो बॉलर के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, तीन डॉट बॉल करेंगे वो, और बॉलर को जब डॉट बॉल मिलती है तो उसका हौसला बढ़ता है, वो और अच्छी बॉलिंग करता है। और फिर आप उसको जो वो अच्छी बॉल कर रहा है उसको स्टेप आउट करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, हाई रिस्क शॉट खेलते हैं, प्रोबेबिलिटी आपके आउट होने की बहुत ज्यादा है। वही दिल्ली के साथ में सब बैट्समैन को उठा के देखिए, उन्होंने ये किया कि तीन बॉल डॉट खेल रहे हैं, दो बॉल खेल रहे हैं, चार बॉल डॉट खेल रहे हैं, फिर अल्टीमेटली उस ओवर में रन तो बनाने ही करेंगे क्या, छक्का छक्का मारने के लिए जाएंगे। और जब आप मारेंगे आप प्री डिटरमाइन होकर शॉट मारेंगे कि तीन पे तो मैंने डॉट खेल दिया, अब मारना ही मारना, अब मुझे मारना है। जो प्री डिटरमाइन है तो आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, आपको आउट होना। और इसी तरह की परफॉर्मेंस आप क्या, तो कहीं ना कहीं कुछ टीमें अपनी गलतियों के कारण इस स्थिति में आई है कि अच्छे भले पटरी पर चलते चलते बेपटरी हो चुकी है, लेकिन अब बहुत खास मुकाबले होंगे और आज का दिन भी बेहद मायने रखता है। हालांकि उससे ज्यादा कल का दिन बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि कल मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली वर्सेस आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। कल दोनों टीमें हारी है और अब हालांकि अभी दोनों पॉइंट्स टेबल में सेकेंड और थर्ड नंबर पर मौजूद है, लेकिन कल तय होगा कि इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम अपना सफर प्ले ऑफ के लिए तय कर पाएगी। लेकिन फिलहाल आज की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज पहला मुकाबला खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब। बहुत ही खास मुकाबला है पंजाब के लिए, क्योंकि न सिर्फ पंजाब को यह जीत दर्ज करनी है बल्कि नेट रन रेट के साथ जीत दर्ज करनी है। इन्हें अच्छे तरीके से खेलना और बहुत अच्छे तरीके से जीतना है मैच को। पांचवें, छठे और सातवें नंबर की हम बात करें तो वहां पर भी फिलहाल जो तीन टीमें हैं उनके बीच के ये मुकाबले बहुत खास रहेंगे और उसी आधार पर तय होगा कि आखिर वो कौन सी तीन टीमें हैं जो प्ले ऑफ में प्रवेश कर पाएगी। फिलहाल हम यदि बात करें तो राजस्थान रॉयल्स, उसके साथ साथ कोलकाता नाइट राइडर्स और उसके साथ पंजाब, ये पांच छह सात नंबर पर अपनी दावेदारी कर रही है, लेकिन उनमें पांचवें नंबर पर है पंजाब, जिसका आज मैच होना है। सर क्या कहेंगे? धोनी ने पिछले दो मैचों में ये सिद्ध कर दिया कि वो पार्टी बिगाड़ने वाले हैं, ही इज ए पार्टी स्पॉइलर। केकेआर को और आरसीबी के लिए तो वो ये कर चुके हैं ऑलरेडी, और अगली टीम अब किंग्स इलेवन पंजाब उसके लिए। बट थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं देखूं तो पंजाब अनफॉर्चुनेट रहा, जो परसों भी मैच उन्होंने हारा ड्यू फैक्टर था, अच्छे रन बनाए, यूनिवर्स बॉस अपने फॉर्म में है, 1000 सिक्सेस मार चुके हैं, 99 उन्होंने पिछले मैच में किया, 7 इनिंग में जब से हुए हैं तो अभी तक बेटर किया उन्होंने, एक लक्की चार्म है पंजाब के लिए। केएल राहुल की बात करें तो 13 मैचेस में 645 रन के आसपास बना चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली मयंक अग्रवाल इंजर्ड हैं, वो पता नहीं आज खेलेंगे नहीं खेलेंगे। मनदीप को भी पिछले मैच में जब आउट हुए तो बैकफुट पे जाके जब उन्होंने स्टीव बाउंसर को डिफेंड करने की कोशिश करी तो फिंगर इंजरी हुई है, उन दोनों का अभी पता नहीं है वो दोनों में से खेलेंगे नहीं खेलेंगे। मयंक अग्रवाल जबकि पिछले मैच में ये कहा जा रहा था कि वो फिट है, वो खेल सकते हैं, अगर मयंक अग्रवाल आते हैं तो एक बहुत बड़ा बैटिंग स्पोर्ट पंजाब को और मिलता है। और दोनों टीम का कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो पंजाब के पास जितनी तगड़ी बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग भी उनकी अच्छी कर रही है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप ड्यू के समय में शाम को खेलेंगे, ड्यू आपके आपकी इनिंग में आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, उस समय दूसरी टीम को एडवांटेज मिलेगा। पंजाब इज ब्लेस की अभी डे गेम खेल रहा है आज, वो कम से कम ऐसा नहीं है कि साहब सेकंड बॉलिंग अगर टॉस दूसरी टीम जीतती है, सीएसके जीतती है और बैटिंग करती है और इनको बॉलिंग करनी पड़ती है पहले और बाद में बैटिंग करनी पड़ती है या व्हाटएवर वे, तो कोई भी टीम इसके डिसएडवांटेज में नहीं है।
ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रेंड इस टूर्नामेंट में चल रहा है, विन द टॉस बॉल फर्स्ट विन द मैच, 15 मैचेस में से 12 मैचेस बैटिंग सेकंड टीम जीत रही है पिछले 15 में, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर आपके फेवर में आता है। जो मुझे लग रहा है वो कह रहा है कि जो टीमें बैटिंग फर्स्ट कर रही है, या तो हमें इन विकेट की सबको आइडिया हो चुका है कि कितने रन बनते हैं, तो हम अपने आप को कोशिश करते हैं कि हमें उससे ज्यादा बनाना, क्योंकि बाद में ड्यू फैक्टर है। तो वो कोशिश तो भी कहीं ना कहीं, कोशिश जो पहले से करते हैं हम उस कोशिश में कहीं ना कहीं फेल करते हैं, तो हमें जितने रन बनाए चाहिए हम उतने भी नहीं बना पाते हैं, वो कम बनते हैं। तो आराम से जो बैटिंग चेज करती है टीम, सेकंड बैटिंग करती है, उसके लिए टारगेट फिक्स होता है, उसको पता होता है मुझे इतने रन बनाने, अब मुझे इसको कितने ओवर में बनाना है या कैसे बनाना है या कैसे इनिंग प्लेस करना है, वो करके आपके लिए एक बार टारगेट आपका आइडेंटिफाइड है तो आपके लिए मैच खेलना और जीतना आसान होता है। टारगेट सेट करना ऑलवेज डिफिकल्ट होता है उस समय में जब आप करंट सिचुएशन हो, जब आपके लिए मस्ट विन मैच है। तो मुझे लगता है कि आज अगर हम देखें तो पंजाब के लिए एक अच्छा दिन है, सामने भी ऐसी टीम है जो भी बिल्कुल आठवें पायदान पे है पॉइंट्स टेबल में, इससे नीचे जा नहीं सकती वो, तो कहीं ना कहीं आज अच्छा परफॉर्मेंस करके जीत कर और वो अपने प्लेऑफ्स की होप जो है वो बरकरार रखना चाहिए, खुद जीत कर आगे जाएं रादर देन नेट रन रेट के इशू में फंस कर और फिर उसको देखें। लेकिन सर भले ही सीएसके लास्ट पोजीशन पे है पॉइंट्स टेबल में, लेकिन देखा जाए तो यही है उसकी ताकत हो चुकी है कि कोई चिंता नहीं है इससे नीचे कौन लेकर जाएगा, सबसे लास्ट पोजीशन पे और पंजाब के साथ सबसे बड़ा जो माइंड सेटअप वाला सिचुएशन है, क्योंकि जीतना भी है और अच्छे से जीतना ताकि दावेदारी में दूसरी टीमों पर डिपेंडेंसी कम से कम रहे, तो ये फैक्टर कितना काम करेगा, क्योंकि इधर तो कोई दिक्कत है नहीं, धोनी के धुरंधरों को आराम से खेलना है तो खेलना है या खेल बिगाड़ना है, और पंजाब को तो सिर्फ खेलना ही खेलना है। बिल्कुल, धोनी ने तो स्लोगन दे दिया अपनी टीम को, हम तो मरेंगे जानी तुम्हें भी साथ लेंगे, दो को तो ले चुके फिर भी वो होड़ में बने हुए हैं अपना, बट थैंक्स टू धोनी। पॉइंट्स टेबल में अगर इतना हम रोमांचक स्थिति देख रहे हैं तो वो जिम्मेदारी भी धोनी की है, मतलब फिर भी मतलब नीचे रह के भी वो स्टार हो गए हैं फिर आईपीएल, भैया सबसे खुश हो रहे हैं इससे, मतलब इतना टेबल में नीचे हैं टीम भी फिर भी धोनी की टीम की बात चल रही है, तो ये उनका ग्लैमर है और उनका पब्लिसिटी है, वी कांट डिनाय, बहुत बड़े प्लेयर है, खराब दौर से गुजर रही है टीम, बट बहुत प्रूव कर चुके हैं 12 साल में, तो उनको प्रूव करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, समय आता है दौर आता है, बट पंजाब के लिए आज एनी टाइम आज के फेवरेट्स हैं पंजाब, इवन टाइटल के लिए भी बहुत फेवरेट हैं, यदि उनका बैटिंग हाँ, जिस हिसाब से चल रहा है, पूरन है, देन मैक्सवेल अभी क्लिक नहीं कर रहे, उसके बावजूद 200 रन बोर्ड पे लगा रहे हो, जबकि सहवाग ने बहुत हार्श कमेंट कर चुके हैं मैक्सवेल के बारे में, तो बट वो भी बड़े प्लेयर है, पर जैसे अभी भैया ने बताया मयंक अग्रवाल का होना है इस टीम में, यदि वो आते हैं तो फिर तो मुझे लगता है बहुत अपर हैंड हो जाएगा पंजाब के लिए। जैसे हम बोल रहे हैं धोनी के बारे में कि वो चर्चा में तो है ही हैं और हाँ। सबकी पार्टी खराब कर रहे हैं, अभी पहला चांस उनको मिल गया, टॉस जीत लिया है और पहले बॉलिंग पहले हम बैटिंग बाद में करेंगे। देखिए फिर से पंजाब के लिए खतरे की घंटी, सीएसके लिए फेवर है, बट आज वो पंजाब की हैवी वेटेड बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट बॉलिंग करेंगे, कैसे करेंगे ये देखना खास, मुझे लगता है क्योंकि पंजाब के लिए मौका भी है दस्तूर भी है, खुद नहीं करेंगे नेट रन रेट में फंसेंगे, तो खुद करना पसंद करेंगे, पंजाब विल डू बेटर टुडे, और आज कोशिश करेंगे कि 200 से ज्यादा रन बनाए और इधर जल्दी रोके ताकि डिपेंडेंसी दूसरी टीमों पर ना, मुझे लगता है सारे कप्तान सारे बल्लेबाज यही देखते हैं कि विकेट को असेस करते हैं पहले जाकर एक ओवर में दो ओवर में कि विकेट खेल कैसी रही है, अगर विकेट स्टिकी है तो वो टारगेट को डाउन किया जाता है दिमाग में कि अगर हम 180 प्लान करके चल रहे हैं तो बोले अच्छा ठीक है 150-60 अच्छी है, अगर हम 150-60 लेके चलते हैं और लगता है कि गेंद बैट पे अच्छी आ रही है और रन बन रहे हैं तो उसको वापस से जो है असेस किया जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है कि हम 180-190 बना सकते हैं, तो विकेट जैसा खेलेगा वैसा डिसीजन कप्तान का और बल्लेबाज का होगा और उसी हिसाब से उनके लिए वो खेलना भी बेहतर होगा, अन्यथा अगर पहले सोच के जाएंगे 200 बनाना और 120 पे कल की तरह लौट के आ जाएंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। सर एक धोनी की अच्छी पारी मिस कर रहे हैं सर हम टूर्नामेंट में, धोनी अपने लय में नहीं दिख रहे, आज आ सकते हैं सर, उम्मीद आए तो पंजाब के लिए खराब दिन होगा यदि धोनी की पारी आई तो, धोनी मैच विनर है बड़ा प्लेयर है तो, पर अभी लय में नहीं दिख रहे, लय में दिखाई नहीं दे रहे, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऑफ कलर उसमें दिखाई, पूरी क्षमता पूरी है लय बिगाड़ने की, मतलब किसी भी टीम के किसी भी दिन मतलब भूसा भर सकते हो अपने इंदौरी लैंग्वेज में, बट अभी इज लुकिंग ऑफ कलर्ड,
और वो फॉर्म की बात है, क्रिकेट मतलब फॉर्म की बात है, कॉन्फिडेंस की बात है, अभी नहीं दिख रहे वो अपने बेस्ट पे नहीं अभी, बावजूद उसके पॉइंट्स टेबल की मजबूत कड़ी बने हुए नहीं अभिषेक वो तो हो ही गया। उसके साथ साथ अगर हम एक चीज और देखेंगे, अगर पिछले मैच में दोनों टीमों के बीच में जो है उसको अगर हम देखेंगे, तो पिछले मैच में किंग्स इलेवन पंजाब ने 178 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पे, और सीएसके ने बिना कोई विकेट खोए 181 रन बना लिए थे। तो वो भी स्टैटिस्टिक्स भी धोनी के फेवर में है कि आज हम आपकी पार्टी बिगाड़ें, और ये पार्टी बिगाड़ेंगे तो फिर और इंतजार बढ़ेगा प्लेऑफ के लिए, सबसे बड़ी बात है। लेकिन अब बात कर लेते हैं आज के दूसरे मुकाबले की, जो कि है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस केकेआर। राजस्थान रॉयल्स की बात की जाए तो 6वें नंबर पर है पॉइंट्स टेबल में, और उसके साथ जिस टीम का मुकाबला है वो है केकेआर, जो कि 7वें नंबर पर है। तो दोनों के बीच में जीतना भी है, और वही कहानी है सर कि नेट रन रेट भी अच्छा रखना। कहीं ना कहीं जो पास में आपने किया है आज वो आपके सामने आ रहा है, कहीं आप गलत खेले हैं, आपने नेट रन रेट आपका बिगड़ा है, आप माइनस में गए, तो कहीं ना कहीं आज आप चेजअप करने की कोशिश कर रहे हैं। केकेआर एक कंसिस्टेंट गेम नहीं खेल पा रही है, कभी अच्छा खेलती है कभी खराब खेलती है। वहीं ऑफ रेट अगर हम राजस्थान रॉयल की बात करें तो राजस्थान रॉयल ने एक्सेलरेशन पे है हर चीज में, टीम अच्छा खेल रही है, बैटिंग सेकेंड मैचेस जीत रहे हैं वो, और बहुत एम्फेटिकली जीत रहे हैं। बेन स्टोक जो है वो बैट के साथ तो अच्छा कर रहे हैं, 100 मारा, 100 के बाद में उसमें नॉट आउट रहे, उसके बाद में 50 किया 20 बॉलों के ऊपर, 2 विकेट लिए, बैट और बॉल दोनों से अच्छा कर रहे हैं। संजू सैमसिंग सीम्स टू हैव रीडिस्कवर्ड हिज फॉर्म अर्लियर फॉर्म ऑफ द टूर्नामेंट, कि जैसे वो पहले मैचेस में आके उन्होंने रन बनाए थे, पिछले 2 मैच में देखिए तो एक बहुत कूल प्लेयर की तरह खेल रहे हैं, लास्ट मैच में 45-46 रन के ऊपर रन आउट हो गए, अनफॉर्चुनेट था, पर अच्छा खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे हैं। जोफर आर्चर बेस्ट बॉलर हैं अगर मीडियम फास्ट की बात करें, शुरुआत में विकेट निकाल के दे रहे हैं, एक ना निकला है, 6.5 रन की एवरेज से रन देते हैं और हर मैच में विकेट निकाल रहे हैं। मनदीप को देखिए कैसा पिछले मैच में आउट किया, कितना स्टीप बाउंसर था, तो उनकी बॉलिंग जो है बहुत इफेक्टिव है। बैन आपका जोस बटलर जो है वो बीच में आके अच्छी फिनिशिंग कर रहे हैं, 2-3 अच्छी बड़ी लंबी इनिंग खेली है, 70-75 रन की। राहुल त्रिवेदी बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टेम्पो उनके साथ में है, जो मोमेंटम उनके साथ में है, और वर्सेस केकेआर को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सारी टीम लगभग जो है वो बारिंग एक दो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रही, मुझे लगता है राजस्थान रॉयल के लिए इजी मैच होना चाहिए। बट उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है, उनको अगर क्वालिफाई करना है तो एक फेयर मार्जिन से करना होगा, उनको रन ज्यादा से अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो रन ज्यादा बनाना चाहिए, और केकेआर को कम से कम रन में आउट करना चाहिए, तो जाके वो क्वालिफाई करेंगे, अन्यथा वो जीत भी जाएंगे तो भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सर वैसे राजस्थान रॉयल्स के लिए मौका तो है, क्योंकि केकेआर पूरे हम देखें तो रिदम में दिखाई नहीं दी, कहीं ना कहीं बड़ी परेशान दिखती है, और यहाँ के खिलाड़ी भी थोड़ा सुस्त दिखाई दे रहे हैं, हम देखें टूर्नामेंट में कप्तान तक बदल दिया लेकिन नतीजे वहीं के वहीं रहे। तो राजस्थान रॉयल्स के पास एक मौका है अच्छा, कि रजवाड़ा परफॉर्मेंस करने के साथ केकेआर की टीम को घर बिठा दिया जाए और अपनी दावेदारी को पुख्ता करने की पूरी कोशिश कर ले। नहीं बिल्कुल, आप स्टैटिस्टिकली देखें यदि आज की दोनों टीमों में तो राजस्थान रॉयल का अपर हैंड है हिस्ट्री देखते हुए, बट किंग अपना केकेआर स्ट्रगलिंग मैनेजमेंट, और मतलब वो टीम में एक डिरेल टीम लग रहा है ऐसा, बीच में कभी पटरी पे आ जाते हैं अगेन डिरेल, मतलब न बैटिंग न बॉलिंग न किसी भी फील्ड में मुझे ऐसा नहीं एक अथॉरिटी रहता है फील्ड। जैसे आज हम बात कर रहे हैं धोनी इतना खराब होने का, नहीं धोनी कैपेबल है, किसी भी दिन उनकी टीम बाउंस बैक कर सकती, बट वो डाउट हमेशा केकेआर के लिए इस सीजन में बना हुआ है पहले मैच से। तो आज राजस्थान रॉयल एनी टाइम बैटिंग में बॉलिंग में इस टीम से बेटर परफॉर्म करती आ रही है, और आज भी करने के मतलब फेवरेट्स माने जा सकते हैं आज के गेम में। सर वैसे एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ आज आप लोगों से, कि आपकी पसंदीदा टीम ऐसी कौन सी है चार, जिनको आप चाहेंगे कि प्लेऑफ में पहुंचे, क्योंकि कल जब हम शो करेंगे लगभग कुछ तस्वीर मैं उम्मीद करता हूँ कि अब की बार साफ हो जाएगी, नहीं तो कल तो हो ही जाएगी, क्योंकि कल जो जिन दो टीमों के बीच मुकाबला उसमें जो जीतेगा वो स्वाभाविक बात है कि प्लेऑफ में पहुंचेगा। चार टीमें सर पहले आपसे पूछ लेता हूँ। मुंबई ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, उसके बाद में अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे लगता है कि पंजाब क्वालिफाई करना चाहिए, आरसीबी क्वालिफाई कर सकता है, अभी उनका लास्ट मैच है और वो डीसी के साथ है जो डन डाउन एंड डस्टेड है, 4 मैचेस लगातार हार कर आई है, बैटिंग कुछ परफॉर्म नहीं कर रही है, तो एक आरसीबी आना चाहिए, और उसके बाद में जो एक स्पेस बचती है वो राजस्थान रॉयल या केकेआर में से। राजस्थान रॉयल के मुझे हैदराबाद नहीं, उनके लिए भी नेट रन रेट का प्रॉब्लम है और बहुत सारी चीजों को उनको सोचना पड़ेगा कि अगर कोई दूसरा हारता है तो वो आ सकते हैं,
तो इन तीनों में से अगर आप उनको भी पकड़ेंगे तो सनराइजर हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल, ये फोर्थ स्पेस मुझे लगता है कि ये प्रोबेबल दावेदार हैं। हम जो भी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ टीम कैसी खेल रही है, उनकी आज एनालिसिस करेंगे क्या वो जीतने लायक है नहीं जीतने लायक है, कैसा क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, बट क्रिकेट में कुछ भी होना संभव है। सर आपकी पसंदीदा चार टीमें? मुंबई थ्रू, देन सेकंड टीम मेरे हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स का भी बेटर साइड है आरसीबी से, लेकिन कल का दिन डिसाइड करेगा। मेरा पर्सनल चॉइस दिल्ली कैपिटल्स सेकंड, देन किंग्स इलेवन पंजाब थर्ड, और चौथा टीम राजस्थान रॉयल आना चाहिए। राजस्थान, तो आपको लगता है कि फिर बढ़िया प्लेऑफ के मुकाबले हो सकते हैं? बढ़िया तो मुंबई इंडियंस ने बढ़िया होने नहीं दे रहे हैं किसी भी मैचेस को, पर उन्हें भी कॉम्प्लिसेंसी से बचना चाहिए। जैसा हमने पहले भी बात किया था, दिल्ली कैपिटल्स कॉम्प्लिसेंट ना हो, आप कंटिन्यूस मैच जीतते हैं तो एक कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है प्लेयर्स को, लगता है दिल्ली में सबसे बड़ा एग्जांपल है। सेम चीज मुंबई को भी बचना चाहिए, बट मुंबई प्लेयर्स आर वेरी प्रोफेशनल, मुझे लगता नहीं, और उनके जो फ्रेंचाइजी हो तो सबसे बड़े प्रोफेशनल हैं, तो होने नहीं देंगे ऐसा, बट इस चीज से सतर्क रहना चाहिए। अब सर कल एक चीज और, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आज पंजाब की टीम में मयंक अग्रवाल आ गए हैं, मैक्सवेल को उन्होंने रेस्ट किया है और मनदीप को खेला है, तो बैटिंग लाइन में जो थोड़ा सा मैक्सवेल से रिलेटेड था कि वो चलेंगे नहीं चलेंगे, तो मनदीप ठीक ठीक खेल रहे हैं, बहुत कोई बहुत एग्रेसिव बैट्समैन नहीं है, बट हाँ लगकर कम से कम मैक्सवेल से बेटर कर सकते हैं, कुछ रन बनाते हैं, श्योर है कि रन बनाएंगे। पहले पिछले मैच में वो मुझे लगता है कल जिस बॉल पे आउट हुए वो कोई भी बल्लेबाज उस बॉल पे आउट होता, क्योंकि वो इतना स्टिक बाउंसर था, बैकफुट पे गया, उसने बहुत अच्छा किया, टाइम नहीं मिला, ड्रॉप करने की कोशिश करी अपना अपना बैट को ग्लव उसको करके, बट फिर भी आपके ग्लव्स पे बॉल लगती है, और एक शानदार कैच बटलर जैसे स्ट्रोक्स ने जो कैच लिया वो तो बहुत अच्छा ही था। तो कहीं ना कहीं पंजाब की बैटिंग लाइन अप आज और इम्प्रूव हो गई है। हमें एक फैक्टर लगता था कि ग्लेन मैक्सवेल जो है वो ऑन ऑफ टाइप खेल रहे हैं, रन ज्यादा नहीं बना पा रहे हैं, एक ही में 35 या 36 रन बनाए, अदरवाइज आप देखें तो 10 12 15 रन क्या, तो किसी भी, और एज ए स्पिनर हम बहुत कुछ उसने ना तो कोई एक विकेट मेरे ख्याल से लिया है, सिर्फ 3-4 मैचेस में उनसे बॉलिंग कराई गई है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पंजाब ने अपनी टीम में कुछ और डेप्थ इंप्रूवमेंट की है बैटिंग डेप्थ के हिसाब से, और बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो एक अच्छा मैच देखेंगे। और सर अब आज की ये भी बता दीजिए आपकी फेवरेट टीम है आज मैच की, पहले मैच की बात करें तो सीएसके वर्सेस पंजाब। यहाँ से जो भी टीम आएगी बहुत दुखी होके आएगी, क्योंकि पहली चॉइस उनकी वो है। सर पहली टीम मुझे लग रहा है पंजाब जीतनी चाहिए। पंजाब सर, पंजाब पंजाब, बट मैं फिर कहता हूँ कि धोनी से हमेशा डाउट ना चाहूंगा। यस यस, उनमें वो है गुण, धोनी इज ऑलवेज डेंजरस। सर दूसरा मैच, दूसरे में मुझे टीम फॉर्म को अगर देखते हुए, देखिए रसल रॉनर्ड वहाँ अवेलेबल नहीं है, सुनील नारायण जो है बॉलर ज्यादा अच्छे हैं फिर बैट्समैन है, वो बॉलिंग में कुछ नहीं कर पाए, बैट्समैन ने थोड़ी बहुत रन बना रहे, ये दो, और उधर अपन दिनेश कार्तिक की बात करें वो भी कोई अच्छी फॉर्म में नहीं। और सर भले दिन हो लेकिन राजस्थान रॉयल्स का बनता है कि वो ऊपर आए टीम, क्योंकि थोड़ी ऐसे लगता है कि प्लेऑफ अच्छा कर देगी। अगर हम देखें उनकी टॉप बैटिंग में ऊपर से उठा पे शुभमन गिल थोड़ा बहुत रन बना रहे हैं, कंसिस्टेंट है, बट उनकी जो स्ट्राइक रेट है इतनी कम है, 110-115 आप 2020 में सोचेंगे तो आप बैट्समैन नहीं मान सकते कि वो 2020 लाइक बैट्समैन नहीं, ये तो टेस्ट क्रिकेट हो गया, एवरेज है तो चलता है क्योंकि 50 ओवर खेलने हैं, आपको 20 ओवर खेलने हैं, आप ऐसी इस स्ट्राइक रेट के साथ में अपनी टीम के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। राहुल त्रिपाठी जो है वो थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं, नितीश राणा ऑफ लेट 2 इनिंग अच्छी खेल गए हैं, और कप्तान मॉर्गन है जो थोड़ा खेल सकते हैं, दिनेश कार्तिक फिर भी ऑन ऑफ टाइप है, कभी 10 रन बनाते हैं कभी 10 बॉल पे 25 रन बना लेते हैं, तो आप इस तरह से, और अगर आप राजस्थान रॉयल के सामने भी बात करेंगे तो वो सारे बैट्समैन जो इन फॉर्म है और लंबा खेलने वाले हैं, वो एक रुकता है तो 70-75 बना कर जाता है, तो एक बड़ा एडवांटेज है उनके साथ में, तो मुझे लग रहा है राजस्थान रॉयल सेकंड मैच में विनर है। और अब जाते जाते बात कर लेते हैं सर कल की, क्योंकि कल जो पॉइंट्स टेबल में सेकंड और थर्ड नंबर पर टीम है, लेकिन लंबे समय से सेकंड और थर्ड नंबर पर ही है वो टीम है, क्योंकि दिल्ली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, विराट कोहली इस बार कोई मौका नहीं देना चाहेंगे सर, और दिल्ली भी अब जिस तरह से हार के बाद लगातार परेशान हो रही है तो वो सबब बंद करना चाहेगी, तो कल का मैच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा सर। नहीं बिल्कुल ठीक बात है आपकी, कल दोनों के लिए करो या मरो है, जो जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा उसमें, और जहां तक हम दिल्ली की बात शुरू से करते आ रहे हैं वो टीम बहुत अच्छी है, यंगिस्तान बोला, यंगस्टर्स हैं, अच्छा खेल रहे हैं, बैटिंग हम बॉलिंग लाइनअप की अगर बात करेंगे तो दिल्ली की बॉलिंग लाइनअप आरसीबी से बहुत अच्छी है,
बैटिंग लाइनअप की बात करेंगे तो बैटिंग लाइनअप में दो बड़े नाम आरसीबी के पास हैं, बट वहां बैटिंग चल नहीं पा रही है। चार मैच जब आप बैटिंग के फेलियर से हारकर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में नेगेटिविटी लेकर आते हैं। जैसे हमने बोला कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि तीन बॉल आप डॉट खेल जाएंगे 2020 में, तो आप इस तरह की तरह से जब अपने आप से ही जूझते हैं तो आप जाकर वहां परफॉर्मेंस देते समय खुद ही डाउटफुल रहते हैं कि मुझे रोकना है या मुझे मारना है। रोकने मारने की अगर आप सोचने लगेंगे तो आप फंस जाएंगे, खेल नहीं पाएंगे, उसमें फंस जाएंगे। तो कल मैच अच्छा होगा, जो टीम के जो भी बड़े प्लेयर हैं, हम बात करें एबी डिविलियर्स की, बात करें विराट कोहली की, बात करें शिखर धवन की, बात करें श्रेयस अय्यर की, तो ये लोग जो अच्छा खेलेंगे। और सेकेंडली कल इवनिंग गेम है, टॉस बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो टॉस जीतेगा 90% वो मैच जीतेगा। सर, प्रेजेंट कैप्टन और जिस श्रेयस अय्यर को फ्यूचर का कप्तान माना जा रहा है अंदाजे से, दोनों के बीच का एक शानदार मुकाबला कल का, और कल तय हो जाएगा कि कौन कितना भारी है, किसमें कितना है दम। बिल्कुल, दो ऐसे कैप्टन है, एक एग्रेसिव है और एक बहुत कूल, जो बिलीफ रखते हैं अपने प्लेयरों पे, ठंडे गर्म का मुकाबला है। लेकिन एक बॉलिंग यूनिट, एज ए बॉलिंग यूनिट आरसीबी बहुत बड़ी बॉलिंग यूनिट है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, सैनी है, चहल है, देन सुंदर है और उडाना, देन क्रिस मॉरिस, चूंकि अब अच्छी बॉलिंग यूनिट बन के उभर रहे हैं तो आसान नहीं जाएगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी। सो आई थिंक 50-50 गेम है मेरे लिए। चलिए सर, आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से धुंधली तस्वीर है उसको आपने साफ करने की कोशिश की, और अब नतीजे बताएंगे कि आखिर पॉइंट्स टेबल की रोमांचक जंग हमें कहां तक ले जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि लंबे समय के बाद एक टूर्नामेंट में पॉइंट्स टेबल में इतना रोमांचक मुकाबला टीमों के बीच हमें देखने को मिल रहा है। आज कुछ तस्वीरें साफ होने की संभावना है, लेकिन कल का दिन बहुत ज्यादा खास रहने वाला है, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। कल शाम को 6:30 बजे मुलाकात होगी एक शानदार मुकाबले से ठीक पहले। क्रिकेट का रोमांच और क्रिकेट का एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए हम सभी आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तो संडे एंजॉय कीजिए, शानदार मुकाबले हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला सप्ताह भी आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होती, तब तक के लिए नमस्कार।